हेलो जी, वी आर बैक विद अनदर वीलॉग। तो गाइस यार आज को सुन सके, अभी ना टाइम हो रहा है तकरीबन 9 बज चुके हैं, मैंने अभी देखा नहीं, भूल गया हूँ। तो यार अकेडमी वगैरह में गया था, तो आके खाना वगैरह खाया तो फ्री हो चुका। तो यार आपको खुशखबरी सुनाते हैं कि आपका भाई फाइनली यार पेपर 9th का जो दिए थे उसका जो रिजल्ट आया, तो यार वो मैं आपको आगे बताता हूँ। आगे तो आके सस्पेंस तो रहे ना। चलो यार मैं ना अभी जा रहा हूँ मामा की कह रहा हूँ, क्योंकि अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। अब वो मामा के लिए खमीरी रोटी लेने, तो चलो साइकिल पे चल निकलते हैं, लेट्स गो। चीज़ भी है, आपको वो भी बताऊँगा, आगे आगे बनी रहिएगा ब्लॉग में, तो साथ में आपको रिजल्ट भी बताऊँगा। चलो निकलते हैं, लेट्स गो। गाइस फाइनली दुकान पे पहुँच चुके हैं। सो गाइस फाइनली रोटी वगैरह ले लिया, सो चलो निकलते हैं घर की तरफ। तो गाइस यार रोटी वगैरह लेके आ गए थे, तो आज मैं आपको बता रहा था कि रिजल्ट और उसका बताऊंगा कि दूसरा सरप्राइज़ क्या। पहले दूसरा बता देते हैं, फिर आपको फर्स्ट वाला भी बताएंगे। तो यार आज है मेरी भाभी के बर्थडे, तो अभी 2 घंटे हैं बर्थडे में, तो आ रहा हूँ मामा। तो 2 घंटे भी हैं बर्थडे में, तो उसके लिए मैं भाभी के लिए कुछ सरप्राइज़ वगैरह करना है, तो गिफ्ट वगैरह लेके आने हैं। तो केक वगैरह ले आए थे, मामा भी ले आए हैं गिफ्ट, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा दिखाऊँगा। भाई भी सारे हमने आए, बस मेरा ही रह गया था, क्योंकि यार मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, अकेडमी से गया था मैं, तो इसलिए फिर मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया। तो आज जा रहा हूँ मैं, दुआ करो दुकान खुली हो, फिर ले लेंगे। चलो निकलते हैं, लेट्स गो। सो गाइस मैं साइकिल पर जा रहा हूँ, देख सकते हैं इतना अंधेरा है यार, डर लग रहा है, खौफ आ रहा है इस गली में। चलो यार जल्दी जल्दी निकलते हैं, मामा और कज़न वगैरह अंदर आगे चले गए हैं, तो चलो निकलते हैं। ये देख सकते हैं पूरी गली में ना समझ लो अंधेरा ही है, तो हम फुल अंधेरा यार, मेन पे होगा सही। रोशनी बाकी वो स्पीड ब्रेकर आ गया, मैं ब्लॉग बना रहा साथ साथ एक हाथ से ड्राइविंग कर रहा हूँ। चलो यार देखते हैं, दुकान खुली हुई है यार, दबा करो खुली हो, बाकी आ गए मेन पे। गाइस पॉकेट हो गया मेरे साथ, दुकान है बंद, आप देखो किधर को निकलना है या किधर जाना है, पूछता हूँ मामा वगैरह पीछे हैं, मैं आगे आ गया था। तो गाइस यार ये देख सकते हैं फाइनली वो दुकान बंद थी, तो साथ में हमारे गोरमे की दुकान थी, तो हम आ गए अंदर। तो यार यहाँ से कोई ब्लून श्लून लेते हैं, निकलते हैं घर की तरफ, लेट्स गो। सो गाइस यार फाइनली घर आ गए थे, ये देखिए बलून्स वगैरह, ये हैप्पी बर्थडे स्नो स्प्रे, और ये बर्थडे गर्ल जो वो कपड़ा होता है, तो ये फाइनली लेके आ गए यार, डेकोर करते हैं। सो गाइस यार फाइनली हम आ गए थे लेके, तो आप लोगों ने देख ली होगी कि हम बलून्स वगैरह, तो बर्थडे गर्ल वाला जो होता है वो लेके आए थे साथ में स्नो स्प्रे वगैरह, तो ये चीज़ें बस मैं लेके आया हूँ अपनी तरफ से, बस यार डेकोरेशन करके गिफ्ट करूँगा, क्योंकि मेरे लिए ही वो दुकान आपने देखा कि बंद हो गई यार, बड़ी बैड लक हुई, वरना मैंने कुछ वो गिफ्ट ले लेना था। चलो यार कोई नहीं, ये भी सरप्राइज, मैं कौन से यार इतना कमाता हूँ, तो इंशाल्लाह जब यूट्यूब की अर्निंग वगैरह करा करेंगे तो दिया करेंगे गिफ्ट वगैरह सबको। तो यार अभी 10:53 हो रहे हैं, तो तकरीबन 2 घंटे रह गए हमारे पास, फिर इंशाल्लाह भाभी के बर्थडे होगी, तो चलो जल्दी से डेकोरेट करते हैं रूम, नीचे वाला मामा और भाभी और भाई ऊपर, तो उन भाभी को कुछ आइडिया नहीं कि सेलिब्रेशन के लिए उनकी तैयारियाँ हो रही हैं कि नहीं, क्योंकि भाभी ना इधर बैठी थी, हम भी ऐसे बैठे थे, भाभी को लगा कि ये जब भी बर्थडे करते हैं ऊपर जाके करते हैं सारे, तो मेरी बारी तो इन्होंने गए ही नहीं ऊपर। राजा जी ऊपर कमरे में सेलिब्रेशन वगैरह करने, तो इसलिए उनको ना कुछ डाउट है, कुछ उनको लग रहा है बस केक वगैरह काट लेंगे और कुछ नहीं, डेकोरेशन का तो सिस्टम मैंने कर लिया। चलो यार रेडी करते हैं, गुब्बारे वगैरह फुलाते हैं और फिर बर्थडे वगैरह का देखते हैं कैसे लगाना। चलो लेट्स गो। गाइस फाइनली 2 बलून्स वगैरह फुलवा लिए हैं, 2-3-4, तो ये मेरे कज़न ने बुलाए हैं, तो उसको क्रेडिट जाता है, वो कहती है व्लॉग में देखते, मुझे क्रेडिट देता नहीं। तो गाइस ये देख सकते हैं हैप्पी बर्थडे, ये पूरा लिखा हुआ है, सो चलो यार लगाते हैं हैप्पी बर्थडे। Thank you.
भाई जी यार फाइनली हैप्पी बर्थडे वगैरह रेडी कर ली है, रिबन वगैरह लगा दी है इसके अंदर से। चलो यार दीवार पे लगाते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं फाइनली टेबल वगैरह रख दिए, अब इसके ऊपर कपड़ा वगैरह चढ़ाएंगे। बाकी बताना यार छोटा सा डिकोर किया कैसा लगा। सो गाइस यार जैसे कि आपने देखा कि अभी वो हम लोगों ने डेकोरेट वगैरह कर दी है, बस यार इतना सा कुछ हुआ। बताना कमेंट में कैसा लगा। इंशाल्लाह यार आप लोग सपोर्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम आएगी, फिर इंशाल्लाह हम बड़ी सेलिब्रेशन भी करेंगे। मैं खुद सरप्राइज दूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो अगर तो मेरी पहले इनकम आई ना भाभी की सालगिरह पे, तो वो भाभी को मतलब गिफ्ट वगैरह देंगे, अच्छी बर्थडे करेंगे, साथ में लाके डालना भी देंगे। तो यार अभी ना 11:43 या 44 हो रहे हैं, तो मामा को इकट्ठा करना है, मामा को बुलाना है, क्योंकि यार सबको इकट्ठा करते करते ना टाइम लग जाता। बाकी वो अंडर टेबल पे ब्लैक ना कपड़ा चढ़ा रहे हैं ताकि अच्छा लगे। अभी मामा ऊपर है, सिर पसीना बहुत ज़्यादा आ गया, पंखा हमने बंद किया था क्योंकि यार वो ना बलून फट जाएंगे, इसलिए चलो चलते हैं। और साथ में ना मैंने अभी वो भी काम करना है, व्हाट्सएप पे ना लिखना है सारा हैप्पी बर्थडे वीडियो बॉबी ये यू जो जो लिखते हैं। तो यार चलो चलते हैं, बहुत काम है अभी, थक गया हूँ मैं। तो यार फाइनली बर्थडे होने में 2 मिनट रह गए। तो ये देखिए हम लोगों ने टीवी भी लगाया हुआ, तो यार आपको डेकोरेशन दिखाते हैं। तो यार ये डेकोरेशन की हमने, मैं केक वगैरह रखे हैं, कैंडल इसके ऊपर लगाई थी, साथ में ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी रख ली, ब्लूंस। बताना यार कैसी लगी छोटी सी डेकोरेशन की है। बाकी ये देखिए इतना सा कुछ सेटअप है, चलो यार बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं। यार ये देख सकते हैं मेरे भाई के उल्टे काम को, ये बड़ी अच्छी बात कही यार। स्प्राइट की बोतल डाली साथ में, ऊपर कोक पता नहीं मिक्स करके पी। सो गाइस ये देख सकते हैं फाइनली हमने बर्थडे वगैरह सेलिब्रेशन कर ली, केक वगैरह कटिंग हो गई। देखिए मेरे ऊपर कितना स्नो स्प्रे गिर गया यार, और आपको अपनी ज़मीन की सूरत हाल दिखाता हूँ। ये देखे फर्श भी सारा स्नो स्प्रे से, टेबल भी हर चीज़ भर गई थी। बहुत मज़ा आया यार। ये देख सकते हैं माँ भाभी के घर वालों ने, जो माँ भाभी की मामा उन्होंने सूट वगैरह दिए, तो भाई ने जूती वगैरह दी, तो मामा ने पर्स और आपी ने परफ्यूम, मैंने डेकोरेशन की थी। बाकी कमेंट में बताना आपको क्या अच्छा लगा। सो गाइस यार फाइनली बर्थडे सेलिब्रेशन वगैरह हो गई, तो अभी 2 बज चुके हैं। फाइनली यार बहुत मज़ा आया। तो यार जो मैं दूसरी चीज़ कहना चाह रहा था वो रिज़ल्ट का, तो यार रिज़ल्ट अल्हम्दुलिल्लाह यार आपका भाई पास हो चुका है, कम नंबर आया लेकिन कोई नहीं। तो यार वो मैं एक मैसेज देना चाह रहा था कि जैसे कि ना मेरे रिश्तेदार दोस्त वगैरह, देखो यार अपना वो होता है जो मतलब, देखो अपने और गैर में ये फ़र्क होता है, अपना हौसला वगैरह देता है और गैर वो होता है जो आपको बातें करता है। तो यार इन्हीं मौक़ों पर शादी पे रिजल्ट्स वगैरह पे या इन्हीं मौक़ों पे पता चलता है यार कौन सा आपका बुरे वक्त में साथ देता है कौन नहीं। बाकी यार अल्लाह खैर करे, करियर मुझे अपना पता है मैंने क्या करना है। तो लोगों के, अगर आप लोगों की बातें सुनोगे ना आप कभी कामयाब नहीं हो सकते, ये मेरे लिखवाले बात। तो बाकी यार कोई नहीं, टेंशन तो नहीं अपन को, ना अपन इंजीनियर बनना ना डॉक्टर, बस वो बिजनेसमैन की स्टडी करनी है। और मेरे जितना घर वालों ने मेरा साथ वगैरह दिया है, इतना ना कि किसी ने अपना रिश्तेदारों पे भी नहीं मुझे उम्मीद थी, ना दोस्तों पे कि यार इतना मेरा साथ देंगे या नहीं, लेकिन पता चल गया अब मुझे। कोई नहीं यार इंशाल्लाह बस कुछ करेंगे। जितनी आज मुझे कॉल्स वगैरह आई, जितनी मुझे बातें सुनी, तो पता चल गया। चलो कोई नहीं यार, ज़्यादा इसी डिटेल में जाते हैं। चलो यार अपना व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। चलो यार मैंने आपका बाईपास हो गया, तो टेंशन नहीं, इंशाल्लाह लोग आते रहेंगे, आप टेंशन ना लीजिएगा, ऐवी लोग बातें बुते करते हैं, इनको करने दें। बाकी आपका भाई व्लॉगर है तलहा किंग व्लॉगर। चलो यार इसलिए मैं आजता बोल रहा हूँ क्योंकि यार सारे सो रहे हैं, तो मुझे व्लॉग एंड करना था, इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैसेज भी दीजिए जाए। चलो यार आजकल वो इतना रखते हैं, पसंद आए तो वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, टेल टेन गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।